दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 21 दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आ गए। बीते शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चुनाव के लिए प्रचार करने की छूट देते हुए जेल से जमानत दी। वहीं इसके बाद जेल से बाहर निकले अरविंद केजरीवाल केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर बरसे। इसी बीच आज यानी रविवार को उन्होंने अपने आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इसी बीच इस बैठक में अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ जहां विधायकों की तारीफ की तो वहीं दूसरी तरफ विधायकों का हौसला भी बढ़ाया। इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी कह दिया कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी देश का भविष्य है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ना ये हमारी सरकार गिरा पाए, ना ये हमारे एमएलए तोड़ पाए और ना ही ये हमारी पंजाब सरकार को कुछ कर पाए। इनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया है। उल्टा देश में इन्हीं के खिलाफ गलत नैरेटिव गया है। इसके लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। मुझे पता चला कि आप में से कई लोगों को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, धमकी दी और लालच देकर भी तोड़ने की कोशिश की गई। मुझे पता चलता रहता था कि वो किस किस से संपर्क में हैं, लेकिन कोई भी नहीं टूटा। आप सभी एकजुट रहे और इसके लिए मुझे, पार्टी और पूरे देश को आप लोगों के ऊपर गर्व है। इसके साथ ही केजरीवाल ने अपनी सरेंडर करने की बात पर बोलते हुए कहा कि जिस तरह से आप लोग अभी तक मजबूत रहे हैं वैसे ही आपको आगे भी रहना है, मुझे फिर से जेल जाना होगा। वहीं सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी की इस मीटिंग पर चुनावों से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बताते चलें कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए जमानत दी है। 2 जून को उन्हें कोर्ट में एक बार फिर से सरेंडर करना होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।